आधा वर्ष है, मैं मोहम्मद अमीन हुंडेगरी 724 की ओर से। हमें ये खबर बता दी, बड़ी दुश्वारी हो रही, बड़ी दुख हो रहा है कि हैदराबाद के मिलत नगर में, चंद्रैया गुट्टा ओल्ड सिटी में, जो हैदराबाद के मिलत नगर की ओल्ड सिटी है, वहाँ पर एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची का एक हादसा हुआ। जो लॉरी, टीपर लॉरी थी, जो वो उस गली में से जा रही थी, वो मिलत नगर की गली में से, वहाँ पर एक बुरी तरह हादसा हुआ। वो वहाँ के लोगों का भी ये कहना है और उनके घर वालों का भी ये कहना है कि वो बच्ची घर के बाहर आते ही वो हादसा पेश आया। और वहाँ पर उनका, उनके घर वालों का, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर रास्ता जो छोटा है, वहाँ पर लारियाँ और ये जैसी टीपर गाड़ियाँ वो जो जाती हैं, उस वजह से हादसा पेश आते हैं। इस हादसा को, इस वहाँ के मंजर को हमारे रिपोर्टर सफिया माही ने भी, इस रिपोर्टर को पूरी तरह से वहाँ पर उन्होंने तहकीक किया है और वहाँ की तस्वीर लिए हैं, वीडियोज लिए हैं। हम ये आपके सामने बताते हुए, बड़ा दुख हो रहा है। और फूल जैसी बच्ची जो 3 साल की है, जिसका नाम मरियम है, वो टिपर लॉरी में, चाक में, जो लॉरी का चाक था उसके उस हादसे में आकर वो अपनी जान को गंवा बैठी है। वहाँ के लोगों का और ख़ास करके उस मरियम के चाचा मोहम्मद ताहिर साहब, उनका नाम मोहम्मद ताहिर है, उन्होंने कहा है। और वहाँ के चंद्रैया गुट्टा पुलिस स्टेशन में वो केस को रजिस्टर किया गया है। उनका ये कहना है कि वहाँ की हुकूमत और पुलिस प्रशासन कमिश्नर उस ड्राइवर को सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उनका ये भी कहना है कि वो जो ड्राइवर था उसकी उम्र कम थी, वो मोहम्मद ताहिर, उनका कहना है, वो जो लड़की के जो चचा है, मरियम जो प्यारी बच्ची थी जो हादसे में वो शिकार हो गई, उसके चाचा। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और ये बच्ची का नाम जो है ना मरियम है, मेरे भाई की छोटी बच्ची। इसका जो हादसा है लॉरी एक्सीडेंट की वजह से हुआ और लॉरी की जो ड्राइवर है एकदम बिल्कुल लापरवाही से चला रहे थे। और मालूम ये हुआ कि वो जो बच्चा चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, उन्हें जो है ना कम उम्र था और ऐसा दिख रहा था उसकी उम्र से जो है ना उन्हें बगैर लाइसेंस के चला रहा था। और इसकी ज़िम्मेदारी जो है ना हुकूमत पे है कि इस एहतियात करे, वो हुकूमत जो है ना देखे कि किस तरह के बच्चे जो है ना ड्राइविंग कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या है। दूसरी चीज़, आप लोग गेट के पास में भी, घर के पास में देख सकते हैं, 3 फीट से भी ज़्यादा जो है ना गैप नहीं है, बड़ी मुश्किल 3 फीट के अंदर ही है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। गेट खुलते ही बिल्कुल सामने हुआ, गली इतनी छोटी है, ऐसे लोडिंग गाड़ियाँ जो है ना बेपरवाह ड्राइवरों को दे रही, बेपरवाह ड्राइवर आ जा रहे हैं, चला रहे हैं, बच्चों का हादसे ऐसे हो जा रहे हैं, निकल के भाग जा रहे हैं। कोई जिम्मेदार शख्स सही है नहीं कि इन लोगों को मैनेज कर सके। और जो है ना बच्चे जो है सो विदाउट लाइसेंस, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है बच्चे विदाउट लाइसेंस है, स्पॉट से निकल गए। 2 बच्चे थे साथ में, एक ड्राइवर क्लीनर है नहीं मालूम, या फिर दोनों ड्राइवर है पता नहीं उसका, यहाँ से भाग गए वो लोग। कोशिश काफ़ी करा मैं कैमरा में वो करने की, अभी बच्चे तो पीएस में आ गए कहते बच्चे, अभी पीएस को जाके देखना है बच्चे लाइसेंस वाले हैं या बिना लाइसेंस के। बस अब मीडिया से और पुलिस से यही गुजारिश है कि जो एक्शन जितना सख्त ले सकते ले लिए तो बारह मेहरबानी, क्योंकि आगे किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं होना जो हमारे साथ में हुआ। बच्ची की एज क्या है? बच्ची जो है सिर्फ 3 साल की है, 3.5 साल। बच्ची का नाम मरियम है, मरियम बेगम। वहाँ के लोगों का कहना है, हम 724 की ओर से भी यहाँ के पुलिस प्रशासन को ये गुजारिश करते हैं और हुकूमत को भी गुजारिश करते हैं कि वो फूल जैसी मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाए और उसकी पूरी पूरी छानबीन की जाए, उस ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं है। हम भी 724 की ओर से उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और उनके घर वालों को भी इंसाफ मिले, ऐसे गुहार लगाते हैं हम भी 724 की ओर से। मैं मोहम्मद अली फुंडेकरी और मेरे सहयोगी हैं गौस वल्लमपल्ली। जय हिंद। सच आप